तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह का फॉर्म। तो मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल सा HTML का टेम्पलेट है और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि style.css फाइल को इंक्लूड किया हुआ है, वो जो है css फोल्डर के अंदर में। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। हमारे पास दो इमेजेस है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले एक जो बैकग्राउंड में यूज करेंगे ये एक इमेज है और दूसरा एक इमेज है ये जो हम लोग साइड पे यूज करेंगे। अब क्या कि दोनों इमेज में कॉमन क्या है कि दोनों थोड़ा फेडेड है, तो इसको क्या किया मैंने, इसका ऑपेसिटी थोड़ा कम करके इस इमेज को एडिट किया हुआ है। नहीं तो क्या हो रहा था कि थंबनेल में जो आप देख रहे हैं उस तरह का इफेक्ट नहीं आ पा रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ा इमेज को, थोड़ा सा ऑपेसिटी इसमें देके ऐसा किया। अब हम लोग देखते हैं css फाइल जो है style.css के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहला कलर है, इस कलर को हम लोग मैक्सिमम जगह पे यूज करने वाले हैं, ये जो रेड कलर है। उसका जो ये सेकंड कलर है, ये इन दोनों कलर को हम लोग ग्रेडियंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर दो फॉन्ट यूज करेंगे, ये सब गूगल फॉन्ट्स है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता गूगल फॉन्ट्स क्या, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ, आप उसको देख सकते हैं। इन दोनों फॉन्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं fonts.google.com से। और उसके बाद जो यहाँ पर बॉडी सिलेक्टर यहाँ पर है, हमने क्या किया कि मैक्सिमम जगह पे हम लोग लैटो फॉन्ट की यूज करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने बॉडी सिलेक्टर में फॉन्ट फैमिली को लैटो पे सेट कर दिया। और उसके बाद ये जो है, ये सिलेक्टर देख रही है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है। तो क्या है कि ब्राउजर का जो डिफॉल्ट सेटिंग है कुछ, तो उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। पैडिंग और मार्जिन हर सिलेक्टर का हम लोग 0 सेट कर दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा तब हम लोग उसमें दे देंगे। और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स पर हम लोगों ने सेट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स एचटीएमएल में अपना काम यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ बॉडी टैग के अंदर एक डिव एलिमेंट लेते हैं और इसका क्लास नेम देते हैं रैपर। ठीक है, और आप क्या करते हैं style.css में जाते हैं, यहाँ पर रैपर क्लास को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जिसका वेट देते हैं 100 VW, मतलब V4 का 100%, और हाइट देते हैं 100 VH, V4 का जो हाइट 100%। एक बैकग्राउंड कलर टेस्ट कर लेंगे, देख लेते हैं रेड कलर का, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रन करके देखते हैं कहीं गलती था क्या, सॉरी स्क्रीनिंग यहाँ पर करती हैं, ये आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक इमेज यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज, और इस पर URL जो यहाँ पर देंगे हम लोग दो डॉट, उसका इमेज फोल्डर के अंदर बॉडी इमेज जो ये फाइल है यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बैकग्राउंड साइज कवर यूज करेंगे ताकि ये पूरा जूम हो गया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक ग्रेडियंट डालेंगे। अब आपको पता हो कि बैकग्राउंड इमेज में हम लोग मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हैं, अब ग्रेडियंट भी क्या एक तरह से इमेज ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल इमेज के लिए कोमा देंगे URL के पहले, और यहाँ पर लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। और सबसे पहले जो कलर है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग डिग्री यहाँ पर दे देते हैं 139 डिग्री हम लोग यहाँ पर देंगे। उसका कलर 1 जो है उसको यहाँ पर कॉपी पर करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसका जो कलर 2 है उसको भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं हम लोग, ये हो गया। अब देख लेते हैं, अब देख रहे हैं कि ये जो ग्रेडियंट ये टॉप पे आ रहा है। अगर आप फोटोशॉप यूज किए तो आपको जरूर पता होगा ब्लेंड मोड के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर ब्लेंड मोड यूज करने वाले हैं। CSS में एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, तो उसके लिए यहाँ पर लिखना होगा बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, और हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले मल्टीप्लाई, सॉरी। अब देखिए, अब ये यहाँ पर इस तरह का कुछ आ रहा है। अब जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ उसको थोड़ा देख लेते हैं, ताकि कुछ अगर अंतर हो तो समझ में आए। ये जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है और ये जो हम लोग अभी बना रहे हैं, तो दोनों सेम ही है, कहीं कुछ अंतर नहीं है। तो चलिए अब आगे बनाते हैं। अब यहाँ पर HTML पे फाइल पर हम लोग जाते हैं, और रैपर जो क्लास है इसके अंदर हम लोग देते हैं, यहाँ पर एक डिव एलिमेंट फिर लेते हैं, और इसका क्लास नेम देते हैं फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब CSS में फिर से जाते हैं और सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पर फॉर्म क्लास को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जिसका विड्थ देते हैं हम लोग 80%, काफ़ी है यहाँ पर। हाइट देते हैं 500 px, और टेस्ट के लिए थोड़ा कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, अब देखते हैं जो हम बना रहे हैं, ये हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो इसका कंटेनर क्लास है रैपर, डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पर हम लोग इसको देंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और हॉरिजॉन्टली सेंटर के लिए जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा, ये देखिए। और वर्टिकली सेंटर सेंटर के लिए अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा 3D इफेक्ट के लिए यहाँ पर बॉक्स शैडो देंगे, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहला वैल्यू जो देंगे 18px, फिर वर्टिकली 16px, और यहाँ पर जो ब्लर होगा 28px देते हैं, और ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे हम वर्शन, रेड ज़ीरो ग्रीन ज़ीरो ब्लू ज़ीरो और अल्फा में 0.15। तो ये थोड़ा ब्लैक का ट्रांसपेरेंसी वर्जन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा 3D इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। अब हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए, अब जो यहाँ पर फॉर्म क्लास बना हुआ है डिव एलिमेंट में, उसके अंदर दो यहाँ पर डिव एलिमेंट लेंगे। सबसे पहला जो होगा उसका क्लास नेम देंगे फॉर्म प्राइमरी फॉर्म, अब दूसरा एक डिव एलिमेंट लेंगे जिसका क्लास नेम देंगे फॉर्म सेकेंडरी। ठीक है, अब इसको CSS में जाकर डिफाइन करते हैं। अब दोनों को एक साथ लेंगे, फॉर्म प्राइमरी कॉमा फॉर्म सेकेंडरी। दोनों का जो विड्थ होगा वो 50% होगा और हाइट जो होगा 100% होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं रिजल्ट। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये। अब क्या करना होगा, यहाँ पर जिसका पेरेंट है क्लास है, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लिप प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, ये फिक्स हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि सही से काम कर भी रहा है या नहीं। तो अब क्या करेंगे, अलग से लेंगे फॉर्म प्राइमरी और इसका बैकग्राउंड कलर सेट करके देखते हैं, जो हम लोगों ने लिया था एक मेन कलर यहाँ पर रेड जैसा कुछ है। हाँ, ये काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे, बैकग्राउंड इमेज और URL पे देंगे डबल डॉट, उसका जो इमेज फोल्डर है और इसके अंदर जो एक test.jpg फाइल है इसको। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी का फिर से यूज करेंगे, तो उसके लिए लेंगे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर से हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इसके वैल्यू के तौर पर, और फिर देखते हैं। ये देखिए, अब ये आ गया, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेंट देंगे। तो चलिए फिर से आते अपनी HTML फाइल पे, और यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइमरी जो फॉर्म प्राइमरी है यहाँ पर और एक डिव एलिमेंट लेंगे, तो उसका नेम यहाँ पर देना है, क्लास नेम देना है प्राइमरी कंटेंट, और जो फॉर्म सेकेंडरी है इसके अंदर फिर एक डिव एलिमेंट हम लोगों को लेना है, और इसका जो क्लास नेम देंगे सेकेंडरी कंटेंट। ठीक है, अब जो प्राइमरी कंटेंट है इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले एक H1 एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और जो क्या करते हैं, यहाँ पर एक P एलिमेंट लेते हैं, इसमें लॉरम इप्सम एक जो डमी टेक्स्ट है उसको यहाँ पर एक देते हैं, तो ये हो गया यहाँ से। अब चलिए इसका रिजल्ट थोड़ा देख लेते हैं, ये आ गया। अब जो ये बन रहा सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो प्राइमरी कंटेंट है यहाँ पर स्टाइल CSS पे हम लोग जाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइमरी कंटेंट को क्लास में यहाँ पर डिफाइन करते हैं प्राइमरी कंटेंट। अब इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं ताकि कुछ समझ में हम लोगों को, ये रहा। अब हम लोग विड्थ पे यहाँ इसका 50% सेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो लॉरम इप्सम जो टेक्स्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम लोग परफेक्ट सेंटर में लाएंगे। ठीक है, तो इसका जो पेरेंट क्लास है इस पर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करते हैं प्रॉपर्टी, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स को भी सेंटर पे रखते हैं, सॉरी सेंटर। तो अब क्या हुआ, ये परफेक्ट सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वाइट कलर है इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसका क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं ताकि टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, ये हो गया। अब कलर को वाइट में सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर एक H1 एलिमेंट है, एक P एलिमेंट है। H1 के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर देंगे हम लोग प्राइमरी कंटेंट H1, जो फॉन्ट हम यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ था, कहाँ गया ये, ठीक है, उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ये हो गया। अगर ये नहीं मिलता है मशीन पे तो ये सेंसर यूज़ करेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये चेंज हो गया। अब क्या करते हैं, फॉन्ट साइज जो है यहाँ पर 100px यूज़ करते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये हो गया।
और थोड़ा सा क्या है कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में जो लेटर स्पेसिंग, थोड़ा सा इसको डिक्रीज करते हैं, लेटर स्पेसिंग लेटर हाइट 85 पिक्स यहाँ पर डालते हैं। आप अपनी ज़रूरत अनुसार इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, ये हो गया। अब जो हेलो वर्ल्ड और लॉरी मैक्सिमम के बीच में थोड़ा सा गैप देते हैं ताकि अच्छा लगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं मार्जिन बॉटम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं 10 पिक्स, ये हो गया। और जो लॉरम एप्सन है इसमें थोड़ा लाइन हाइट देते हैं क्योंकि हेलो वर्ड में भी है, तो इसमें भी थोड़ा दे देते हैं, अच्छा लगेगा। तो इसी क्लास का ये एक पार्ट था, प्राइमरी कंटेंट में पी है और इसका लाइन हाइट देते हैं हम लोग यहाँ पर 22 पीएक्स। कुछ हुआ नहीं क्यों, थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं क्या ये काम नहीं कर रहा। प्राइमरी कंटेंट में यहाँ पर पी एलिमेंट है लॉरम एप्सन, सॉरी लाइन ब्रेक हम लोग यूज कर रहे थे, लाइन हाइट करना था, हाँ 22 पीएक्स, ये हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब हम लोग अपना जो ओरिजिनल बना हुआ उसको देख लेते हैं। तो हम लोग अब ये फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो एचटीएमएल फाइल के अंदर जाते हैं हम लोग अपना, और जो सेकेंडरी कंटेंट है सबसे पहले यहाँ पर एच टू एलिमेंट लेंगे और इस पर लिखेंगे साइन इन, ये हो गया। अब एक फॉर्म एलिमेंट लेंगे, एक्शन पे कुछ भी डाल देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट लेंगे हम लोग जिसका टैग टेक्स्ट होगा और प्लेस होल्डर पे डालते हैं जो हिंट देगा वो यूजर नेम, ठीक है। और इसका क्लास यहाँ पर ऐड करते हैं फॉर्म इनपुट, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर होगा कि इसका जो टाइप होगा पासवर्ड होगा, ठीक है। प्लेस होल्डर भी इसका पासवर्ड दे देते हैं और क्लास नेम सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक ए टैग यहाँ पर यूज़ करेंगे जो फॉरगेट योर पासवर्ड का जो लिंक होता है वो डालेंगे यहाँ पर, लिखेंगे फॉरगेट योर पासवर्ड, और एक क्वेश्चन मार्क जो सिंबल होता है ये दे दिए। एक साइन इन के लिए बटन बनाएंगे वो दे देते हैं यहाँ पर, बटन टाइप सबमिट देते हैं क्योंकि सबमिट होगा फॉर्म, और इसका क्लास देते हैं बटन सबमिट, ठीक है। यहाँ पर बस साइन इन यहाँ पर ये लिख देते हैं और देखते हैं इसका क्या होता है। हमारा जो ये वाला था ये, इसको हम लोग अभी आगे बनाएंगे। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो सेकेंडरी कंटेंट है जिसके अंदर ये फॉर्म है, तो इस सेकेंडरी कंटेंट का विड्थ और हाइट सेट करते हैं। तो प्राइमरी कंटेंट ये हुआ, इसके नीचे यहाँ पर लिखते हैं सेकेंडरी कंटेंट, ठीक है। विड्थ जो है 80% दे देते हैं और हाइट दे देते हैं यहाँ पर 100% के आसपास, 60% रखते हैं अभी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर रेड देते हैं, टेम्परेरी देख लेते हैं इसका, ये हो गया। अब इसको परफेक्ट सेंटर पे करते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसका इसका जो पेरेंट क्लास है फॉर्म सेकेंड सॉरी हाँ फॉर्म सेकेंडरी, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने नहीं लिखा है, इसको अलग से यहाँ पर करना होगा फॉर्म सेकेंडरी आगे। अब यहाँ पर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर देते हैं और क्या करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं ताकि हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए। और क्या करते हैं अलाइन आइटम्स यहाँ पर सेट कर देते हैं सेंटर ताकि वर्टिकली सेंटर हो जाए, ठीक है। अब क्या है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। अब इसके आगे यहाँ पर इसको हम लोग कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पर जो साइन इन टेक्स्ट है इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं साइन इन टेक्स्ट जो है सेकेंडरी कंटेंट के अंदर में जो एच टू एलिमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंडरी कंटेंट एच टू, इसका कलर हम लोग देते हैं ग्रे 333 और फॉन्ट वेट जो देते हैं वो 400 जो रेगुलर आता है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब जो हर इनपुट टैग में जो फॉर्म इनपुट क्लास लगा है उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं फॉर्म इनपुट। उसमें क्या होगा कि डिस्प्ले होगा सबसे पहला ब्लॉक होगा, दूसरी बात विड्थ जो है 100% होगा, देख लेते हैं ये हो गया। अब जो है यहाँ पर हम लोग मार्जिन टॉप लेते हैं 30 पीएक्स के आसपास, जीरो हो गया 30 पीएक्स, ये हो गया। थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं यहाँ पर टॉप एंड बॉटम के लिए 25 पीएक्स हम ले रहे हैं और लेफ्ट एंड राइट के लिए 20 पीएक्स, ये पैडिंग भी आ गया। अब क्या करते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी की यूज करते हैं जिससे राउंडेड कॉर्नर हम लोग को मिल पाएगा। यहाँ पर 100 पीएक्स ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं सेम ही इफेक्ट आता, ये हो गया। अब क्या करते हैं बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, ये अब बैकग्राउंड कलर एक सेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब जो है अब हम लोग अगर इस पर माउस क्लिक करते हैं तो
तो ये फोकस स्टेट आ रहा है, तो ये आउटलाइन नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट और जिसमें फॉर्म इनपुट क्लास ऐड होगा, सॉरी अगर उस पर फोकस होता है तो क्या होगा कि आउटलाइन नहीं आएगा, आउटलाइन नन पे सेट कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये आउटलाइन नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो प्लेस होल्डर मतलब जो हिंट दे रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो हट जा रहा है, यूजर नेम जो हिंट दे रहा है इसको थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा डबल कॉलम दे, मतलब ये सिंबल दे के वेबकिट प्लेस होल्डर इनपुट प्लेस होल्डर, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉन्ट साइज जो है 16px यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए अभी ये जो होगा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पर 3 हो गया, हाँ ये देखिए इंक्रीज हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट वेट जो है हम लोग यूज़ करेंगे 200, फॉन्ट वेट यूज़ करेंगे हम लोग 200 यहाँ पर, थोड़ा लाइट आ गया। अब कलर हम लोग कुछ और यूज़ करेंगे यहाँ पर, लाइटर वर्जन ब्लैक का 777, थोड़ा ग्रे में आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि इनपुट पे क्लिक करें तो उसका जो यहाँ पर आउटलाइन आया रेड कलर का, ताकि और अच्छा लगे ये, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर पहले से एक यहाँ सेट किया हुआ है फोकस स्टेट इनपुट पे क्लिक करने का, तो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर सेट कर देंगे 2px देंगे सॉलिड, और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग जो हमारे पास पहले से कलर था FF5252, ठीक है। अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, ये देखिए तो ये हो रहा, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा। तो इसको फिक्स करने के लिए यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर जो इसका मेन एलिमेंट है यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ये पहले से आ जा रहा, अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट कलर सेट करते हैं, ताकि फोकस जब ना हो तो ये कुछ भी ना दिखे, ट्रांसपेरेंट रहे, 2px रहेगा लेकिन ट्रांसपेरेंट रहेगा। अब देखिए अब ये स्टेबल है। और एक चीज़ यहाँ पर क्या ऐड करेंगे हम लोग, बैकग्राउंड कलर को वाइट सेट कर देंगे। अब जैसे फोकस किया जाएगा तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा। अब चाहते हैं जो प्लेस होल्डर का टेक्स्ट थे वो भी इस रेड कलर के जैसा हो, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, उसके लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं हम लोग। वो कैसे होगा कि जब भी इनपुट एलिमेंट यहाँ पर फॉर्म इनपुट फोकस होगा, तब क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे उसको वेबकिट प्लेस होल्डर को। मतलब कि जब इस लाइन का मतलब हुआ, जब इनपुट एलिमेंट के किसी फॉर्म इनपुट क्लास पे फोकस हुआ तब क्या होगा, उसके बाद जो हम लोग लिख रहे हैं उस पर ही असर पड़ेगा, मतलब प्लेस होल्डर पर ही असर पड़ेगा। तो प्लेस होल्डर का कलर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, जहाँ कलर देंगे FF5252। अब देखते हैं ये चेंज होता है या नहीं होता, ये देखिए हो रहा है लेकिन ये स्मूथली नहीं हो रहा है। तो आप अगर मेरे अगले वीडियो को देखें ट्रांजिशंस के बारे में, मैंने उसमें बताया हुआ है, तो हम लोग इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस मेन एलिमेंट पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, और सबसे पहले लिखते हैं ऑल और 0.4s, ये हो गया। तो ये स्मूथली, ये देखिए स्मूथली आ रहा है। अब क्या करते हैं प्लेस होल्डर में भी, जिसका मेन यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड करते हैं 0.4s, सेम टाइमिंग देते हैं, सॉरी पहले तो देना था ऑल, इसे 0.4s। अब देखते हैं, अब देखिए स्मूथली चेंज हो रहा है। अब क्या करते हैं, इनपुट का थोड़ा पैडिंग को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, 20px देते हैं टॉप एंड बॉटम के लिए, और ये भी 20px। अब ठीक लग रहा है। अब जब दोनों सेम ही है तो सिर्फ 20px देने से ही चलेगा, क्योंकि सारे तरफ 20px ही है, तो यही है। अब आगे हम लोग इस लिंक को और इस बटन को बनाते हैं। अब यहाँ पर फॉरगेट योर पासवर्ड का लिंक है, इसको स्टाइलिंग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पर फॉर्म क्लास देते हैं फॉर्म, और ए सबसे पहले जो अंडरलाइन उसको रिमूव करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन पे करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं होता, हो गया। अब कलर सेट करते हैं, कोड तो याद हो गया इतना यूज़ करते करते, FF5252, ये हो गया, देख लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ फॉन्ट वेट को बोल्ड करते हैं 400, ये हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग, सॉरी अब क्या करते हैं, मार्जिन थोड़ा सा सेट करते हैं 20px टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट राइट 0, ठीक है। हाँ ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, तो हम लोग को यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक सेट करना होगा, ब्लॉक करने का ये हो जाएगा, ये हो गया। फॉन्ट वेट 400, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग जो बटन सबमिट है उसको बनाते हैं। अब बटन सबमिट बनाने के लिए वो क्लास यहाँ पर, हाँ हम लोगों ने ऐड करके रखा हुआ बटन पे। अब यहाँ पर लिखते हैं बटन सबमिट,
ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉन्ट साइज को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। फॉन्ट साइज हम 17px देंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, ये देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर हम लोग यूज नहीं करेंगे, बॉर्डर नन सेट कर देते हैं। और क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर सबसे पहले सेट कर देते हैं, FF5252 कलर कर देते हैं वाइट FFF। तो ये देखिए हो गया। अब पैडिंग सेट करते हैं हम लोग, पैडिंग सेट करते हैं यहाँ पर 10px टॉप एंड बॉटम के लिए और लेफ्ट और राइट के लिए 30px हो गया। अब राउंडेड कॉर्नर्स के लिए बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी सेट करते हैं 50px तक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, कर्सर पॉइंटर सेट करते हैं, इसलिए क्योंकि माउस इस पे जब ले जाए तो पॉइंटर का अलग कर्सर है, तो इसके लिए यहाँ पर सेट करते हैं कर्सर पॉइंटर। अब देखिए माउस आ जाएगा कर्सर। अब इसका ओवर स्टेट सेट करते हैं ताकि इस पर माउस ले जाने से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे ओवर और यहाँ पर लिखते हैं BG बैकग्राउंड कलर वाइट। अब क्या होगा, वाइट हो गया। और इसका कलर सेट करते हैं इसका जो पहले बैकग्राउंड कलर था, मतलब FF5252 ठीक है। अब देखते हैं ये, हाँ हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बॉर्डर सेट करते हैं 2px का, 2px और यहाँ पर FF5252 ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको फिक्स करने के लिए फिक्स नहीं करना, स्मूथली हो इसलिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। ट्रांजिशन ऑल 0.4s देते हैं, ये देखिए ये, हाँ ये जो हो रहा है पहले ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर पहले से बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करके रखते हैं, विजिबिलिटी हो गया, बॉर्डर प्रॉपर्टी 2px देते हैं सॉलिड, और ये ट्रांसपेरेंट रहेगा पहले से ही रहेगा, मतलब लेकिन ये ट्रांसपेरेंट से कलर होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए स्मूथली चेंज हो रहा है, इसको और थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं 0.3s में ले जाते हैं। और जो इनपुट एलिमेंट है इसका पैडिंग थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देते हैं ताकि और अच्छा लगे। फॉर्म इनपुट टॉप एंड बॉटम के लिए 17px देते हैं और लेफ्ट एंड राइट के लिए यहाँ पर देते हैं 20px, ये सेव हो गया। अब देखते हैं, ये देखिए तो देखते हैं दोनों मिला के, हाँ सेम ही है। अच्छा यहाँ पर ये डॉट से रिमूव कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड ये रहा। अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, हाँ काफ़ी हद तक दोनों मिल रहा है।